अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू प्रॉपर्टी एक्सचेंज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम यासिर गफूर है और आज मैं फिर से मौजूद हूँ बैरियर रोड कराची प्रेसन 6 के अंदर। आपको एक 272 स्क्वायर यार्ड्स का बहुत खूबसूरत विला दिखाऊंगा जिसकी प्राइस भी बहुत मुनासिब है और बहुत खूबसूरत बना हुआ है, A+ कंस्ट्रक्शन है। व्यूअर्स, इस घर के अंदर टोटल 5 बेडरूम्स हैं और उसके साथ साथ इसके जो किचन है बहुत बड़े और खूबसूरत बनाए गए हैं। व्यूअर्स, एंड तक लाजमी देखें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसे खूबसूरत विलाज और देखने को मिलते रहें यूट्यूब चैनल पर। और अभी आप इसका फ्रंट स्ट्रक्चर डिज़ाइन देख सकते हैं, टोटल वाइट टोन के अंदर इसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया है और ये इसका लुक है फ्रंट रैंप का। एक्सटीरियर गार्डन लुक आपको दिखाता हूँ। व्यूअर्स, इस घर की लोकेशन प्रेसन 6 के अंदर मौजूद है ये घर और बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट के अंदर आसपास इसके फैमिलीज मौजूद हैं। ये इसका एक्सटीरियर गार्डन है, उसकी भी आप लोग देख सकते हैं और यहाँ से हम इसके गैरेज के अंदर एंटर होते हैं। व्यूअर्स, अभी इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है, फिनिशिंग क्वालिटी फिनिशिंग अपने स्टेज पर है ये, तो आप इसका अभी गैरेज लुक भी देख सकते हैं। इसका टोटल गैरेज साइज़ है, गैरेज के अंदर भी थोड़ा सामान पड़ा है, अपनी फिनिशिंग स्टेज पर है ये। और यहाँ पर इसका कॉरिडोर स्पेस है, यहाँ पर भी अपनी पार्किंग कर सकते हैं। और ये जो स्टोन है इसकी वजह से इसकी एलिवेशन के अंदर बहुत खूबसूरती में इजाफा हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। ये इसका मेन एंट्रेंस डोर है, हम चलते हैं इसके पहले मैं आपको साइड पैसेज दिखा देता हूँ। यहाँ से गैरेज का साइज़ आपने देखा होगा, वही जनरल साइज़ है जो कि हर 272 के यार्ड्स के अंदर आपको बैरियर कराची के अंदर मिल रहा है। तो ये इसका साइड पैसेज है जो कि आपको पीछे किचन की तरफ ही एंट्रेंस दे देगा और इसके साथ साथ आपको सर्वेंट क्वार्टर की भी एंट्रेंस दे देगा। पीछे बैक साइड पर डिश वॉशिंग एरिया भी आपको मौजूद है। ये इसका आपको गार्ड वॉशरूम मिल जाएगा। तो बाहर का आपने टूर कर लिया, अब चलते हैं घर के अंदर और आपको एक एक चीज़ डिटेल के साथ समझाते हैं। बस ये इसका मेन एंट्रेंस डोर है, जिसकी क्वालिटी की बात की जाए सबसे पहले, अगर वुड की बात की जाए तो सॉलिड वुड है। जब आप इस घर को विज़िट करेंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा। यहाँ से जो इसके डोर हैंडल्स हैं आपको अगर देखने से पता चल रहा हो तो सॉलिड और अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर डोर हैंडल्स यूज़ किए गए। हम इसको क्लोज़ करते हैं और घर के अंदर चलते हैं और आपको तमाम चीज़ें समझाते हैं। जी व्यूअर्स, अब एंटर हो चुके हैं हम इसके घर के अंदर और सबसे पहले लॉबी की बात की जाए तो इस साइड पर आपको इसकी लॉबी मिल जाएगी। यहाँ से आपको मैप लेन समझाऊँ तो इस साइड पर आपको एंटर होते साथ राइट साइड पर पाउडर स्पेस मिल जाएगी। पाउडर स्पेस के अंदर आपको एक वॉल हैंग कमोड इंस्टॉल कर दिया गया है और एक छोटा सा ये आप देखें सिंक इंस्टॉल्ड है, वैनिटी सेटअप वैनिटी है यहाँ पर। और इसको क्लोज करने के बाद आप देखेंगे कि आगे की स्पेस जो है टीवी लाउंज और ड्राइंग स्पेस ने कवर की हुई है। यहाँ से इसका टीवी लाउंज स्टार्ट हो जाता है, सबसे पहले हम इसके ड्राइंग स्पेस को एक्सप्लोर करते हैं। तो ड्राइंग स्पेस को टोटली कवर किया गया, सेपरेट किया गया। ये जो दरवाज़ा है ग्लास और वुडन डोर से तैयार किया गया, इसको आप क्लोज करके अपने ड्राइंग स्पेस को टोटली सेपरेट कर सकते हैं। तो ये इसकी स्पेस है, सबसे पहले आप स्पेस देख लें। नीचे ब्राउन टाइल यूज़ की गई है, या आप इसका साइज़ देखें टाइल का, रिफ्लेक्टिव टाइल है, ग्लॉसी टाइल है। और ऊपर से आपको एक खूबसूरत से दो शैंडेलियर्स जो हैं वो हैंग किए गए हैं यहाँ पर, जो कि इसकी खूबसूरती में और इजाफा कर रहे हैं। ये इसका टोटल साइज़ है। जो विंडोज़ यहाँ पर यूज़ की गई हैं ग्लास विंडोज़, वो भी UPVC हैं, तो आपको बाहर की जो नॉइज़ है नॉइज़ कैंसिलेशन भी यहाँ पर हो जाएगी। ऊपर से बहुत खूबसूरत लुक है सीलिंग वर्क के ऊपर। और ये इसका टोटल साइज़ है ड्राइंग स्पेस का। एक साइड से आपको इसका स्लाइडिंग डोर है, ग्लास स्लाइडिंग डोर, इसको मैं आप करके दिखाता हूँ। ये देखें स्मूथ वर्किंग आपको ये स्लाइडिंग डोर मिल जाएगा। यहाँ से हम एग्जिट करते हैं इसको, क्योंकि सिंगल यूनिट घर है तो यहाँ से आपको इसकी एंट्रेंस मिल जाएगी फर्स्ट फ्लोर पर जाने की। और ये इसका टोटल स्पेस है टीवी लाउंज प्लस डाइनिंग स्पेस। ये इसको आप एज अपना टीवी लाउंज डिज़ाइन करेंगे। इधर आप स्पेसेस की देखें, डबल फैन ऊपर इंस्टॉल है और सीलिंग वर्क व्यूअर्स पूरे घर के अंदर बहुत खूबसूरत बनाई गई है, फ्लोटिंग सा सीलिंग वर्क डिज़ाइन है। और ये जो इसके शैंडेलियर्स हैं वो देखें बॉल डिज़ाइन के अंदर, यहाँ पर आपको इसके शैंडेलियर मिल रहा है टीवी लाउंज का। और ये इसकी टोटल स्पेस, दो लाइट्स इंस्टॉल हैं यहाँ पर वॉल पर, फैंसी लाइट्स, खूबसूरत लुक है टीवी लाउंज की भी, एक ब्राइट लुक है। उसके साथ आगे यहाँ पर देखा जाए तो ये स्पेस आप इसको अपने मुताबिक मैनेज कर सकते हैं, वरना इसको एज डाइनिंग स्पेस आप बड़ा अच्छा मैनेज कर सकते हैं। ऊपर सीलिंग वर्क के ऊपर देखा जाए तो लाइट वर्क अच्छा है और एक विंडो है जहाँ से आपको सनलाइट भी आती रहेगी। ये विंडो आपकी पैसेज की तरफ व्यू करवाएगी। तो ये आपने इसका टीवी लाउंज प्लस ड्राइंग डाइनिंग देख लिया। एक दरवाज़ा है जहाँ से आप अपने वेंटिलेशन के लिए आपको सोर्स बनाकर दिया गया। ये स्पेस जो है आप इसको ओपन करके वेंटिलेशन होती रहेगी, ऊपर तक ये ओपन है। और एक और ख़ास बात इसके अंदर ये है कि इनक्लोज किचन है, ओपन किचन नहीं रखा गया, तो ये एडवांटेज है, काफ़ी लोगों को ये चीज़ पसंद आती है। यहाँ पर एक्सपर्ट के आपको बर्नर और एग्जॉस्ट जो है इंस्टॉल कर दिया गया।
ये देखें एक्सपर्ट का आपको यहाँ पर बर्नर मिल रहा है और नीचे कैबिनेट स्पेस भी ज़्यादा है और ऊपर तक भी आप देखें छत तक यहाँ पर आपको इसकी सीलिंग तक कैबिनेट स्पेस मिल रही है और अच्छी सॉलिड यहाँ पर कैबिनेट है। स्मूथ वर्किंग है। तो ये इसका टोटल स्पेस है किचन का। अगर आप ये घर विजिट करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके इस विला को विजिट कर सकते हैं और इसकी डिमांड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये इसका दरवाज़ा है जो कि आपको पीछे वॉशिंग एरिया की तरफ भी लेकर जाएगा और अपने सर्वेंट को आप यहाँ से एंट्रेंस दे सकते हैं। इसी साइड से स्टेयर्स हैं जो कि आपको ऊपर लेकर जाएंगी सर्वेंट क्वार्टर की तरफ और जो आपके रूफ की तरफ रास्ता जा रहा है वहाँ तक। ये इसकी बैक साइड है, यहाँ पर अपना आप वॉशिंग एरिया डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप इस घर के अंदर चलते हैं और आपके दो बेडरूम्स जो हैं ग्राउंड फ्लोर पर वो आपको दिखाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर लीव करें कि आपको ये घर कैसा लग रहा है। अगर आप पेरियन कराची के अंदर कंस्ट्रक्शन भी करवाना चाहते हैं हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके प्रॉपर्टी एक्सचेंज की टीम से कंस्ट्रक्शन के हवाले से डिटेल्स जान सकते हैं। बस ये इसका पहला बेडरूम है और इसका साइज़ बहुत अच्छा है, 272 स्क्वायर यार्ड्स के हवाले से अच्छे साइज़ यहाँ पर रखे गए हैं पूरे 5 बेडरूम्स के। ऊपर सीलिंग के ऊपर देखा जाए तो इसकी वजह से आपके खूबसूरती बेडरूम की और इजाफा हो रहा है। ऊपर देखेंगे फ्लोटिंग डिज़ाइन है सीलिंग वर्क का, यहाँ से इसकी वार्डरोब्स हैं, वार्डरोब्स के अंदर स्पेस आपके लिए ज़्यादा दी गई है, ये देख सकते हैं आप, और साइज़ भी अच्छे हैं। ये अटैच बाथ्स हैं जिनके अंदर बहुत खूबसूरत काम किया गया। सबसे पहले आप मराठी का यहाँ पर कमोड देखें, मराठी का है ये कमोड, में आपको ज़ूम करके दिखता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मराठी के सैनिटरी सेटअप यहाँ पर यूज़ किए गए सारे। पोटा का यहाँ पर आपको कंसील शॉवर मिल जाएगा, पोटा का कंसील शॉवर है और पोटा का यहाँ पर आपको वैनिटी सेटअप भी डिज़ाइन करके दिया गया, पीछे राउंड शेप के अंदर मिरर यहाँ पर डिज़ाइन करके दिया गया। वॉशरूम के अंदर भी आपको कैबिनेट स्पेस सॉरी वार्डरोब स्पेस मिल जाएगी, तो है एडवांटेज यहाँ पर वार्डरोब स्पेस का ज़्यादा। और डोर हैंडल्स भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्वालिटी अच्छी है और डोर हैंडल्स भी यहाँ पर सॉलिड यूज़ किए गए हैं। ये इसका सेकंड बेडरूम आ गया, ऊपर सीलिंग के ऊपर भी गौर करें और यहाँ पर जो इसकी लाइट्स इंस्टॉल की गई हैं रोज वो बेडरूम के अंदर और अच्छी लग रही हैं। जिसका टोटल साइज़ और वही अटैच बाथ जिसके अंदर सेम सैनिटरी इंस्टॉल की गई है मराठी का, यहाँ पर कमोड मिल जाएगा आपको उसके साथ, पोर्टा का आपको यहाँ पर कंसील शॉवर इंस्टॉल कर दिया गया, ये इसका पोर्टा का आपको वैनिटी सेटअप। खूबसूरत है व्यूअर्स, यहाँ पर मिनिमल सी लुक्स हैं और अच्छी लग रही हैं। ये इसका आपने लास्ट बेडरूम देखा था सेकेंड बेडरूम, ये विंडो जो है आपको पीछे बैक साइड वॉशिंग एरिया तरफ व्यू करवा देगी। तब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर और फर्स्ट फ्लोर के आपको व्यूज़ दिखाते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसे खूबसूरत घर की वीडियोस देखने को मिलती रहें। और अगर आप ऐसी कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं बेरीडोन कराची के अंदर तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके कंस्ट्रक्शन के हवाले से डिटेल्स जान सकते हैं। इस घर की डिमांड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये इसकी स्टेयर्स की लुक है, बस टोटल ब्लैक टोन के अंदर यहाँ पर इसकी स्टेयर्स डिज़ाइन की गई है। रेलिंग यहाँ पर अभी काम चल रहा है, इसके अंदर जो है ग्लास इंस्टॉल किया जाएगा, इसके अंदर यहाँ पर सिर्फ ग्लास इंस्टॉल होने वाला है, बाकी काम हो चुका है। और ऊपर आते हैं तो मैं आपको मैप लाइन एक्सप्लेन करूँ, यहाँ से आपको टीवी लाउंज स्पेस मिल जाएगी सबसे पहले फ्रंट पे। अगर इसका टेरेस एक्सप्लोर कर लेते हैं, इसकी स्पेस आप देखें व्यूअर्स बड़ी स्पेस है और यहाँ पर अच्छी हवा आती है, आप यहाँ पर बैठकर अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। आसपास आप व्यू देखेंगे तो काफ़ी फैमिलीज यहाँ पर आबाद हैं ऑलरेडी। और ये व्यूज इसका मास्टर बेडरूम है जो कि इसके फ्रंट की तरफ व्यू करवाएगा। इसका साइज़ आप देखें और इसकी लुक देखें कि कितनी क्लासी लुक है यहाँ पर, आप इसके वॉल पर जो फैंसी लाइट्स हैं उनको देखें। और ऊपर से सीलिंग वर्क भी आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत सा यहाँ पर क्लासी लुक के अंदर इसके बेडरूम्स को तैयार किया गया। ये पोर्टा का आपको यहाँ पर वैनिटी सेटअप मिल जाएगा, पीछे एक इस शेप के अंदर आपको मिरर और वॉल हैंग कमोड यहाँ पर पोर्टा का इंस्टॉल किया गया, ठीक है। पोर्टा का वॉल हैंग कमोड
और कोटा भी यहाँ पर कंसील शॉवर है, रेन शॉवर, हैंड शॉवर भी यहाँ पर इंस्टॉल है साथ में। और इस वॉशरूम के अंदर आपको ऊपर से स्काई लाइट भी नज़र आ रही होगी। ये इसका मास्टर बेडरूम था और ये इसका टेरेस है। फर्स्ट फ्लोर पर सिंगल यूनिट ही घर है, लेकिन फिर भी आपको इसके फर्स्ट फ्लोर पर एक बड़े साइज का किचन भी डिज़ाइन करके दिया गया। इस किचन की लुक वैसे बहुत खूबसूरत है, यहाँ से आप इसको एक स्ट्रिप लाइट्स देख सकते हैं और यहाँ पर एक्सपर्ट का एग्जॉस्ट और बर्नर इंस्टॉल्ड है। ब्लैक के अंदर इसको डिज़ाइन किया गया। इसके डिशवॉशिंग एरिया भी आप देखें, हाइड्रोलिक यहाँ पर कैबिनेट्स और ये इसकी कैबिनेट्स, यहाँ से भी आप इसकी लुक देख सकते हैं। तो वाइट बॉक्स की यहाँ पर और एक स्टोर रूम है, इसकी भी मैं आपको लुक दिखाता हूँ। ये इसकी स्टोर रूम स्पेस है, इसके अंदर भी आप वुड वर्क करवा कर अपनी काफ़ी स्टोरेज कर सकते हैं। और आगे चलें तो मैं आपको ये दिखाना भूल गया, ये जो वॉक है इसके ऊपर आप देखें तो सीलिंग वर्क के ऊपर बहुत खूबसूरत सी लाइटिंग है जो कि आपको आगे जाते वक्त नज़र आएगी। ये इसका व्यूअर्स फोर्थ बेडरूम है, जो कि बैक से यही दोनों बेडरूम्स का साइज सेम है, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर मैंने आपको दो बेडरूम्स दिखाए थे। ये आप इसका साइज़ देख सकते हैं, लुक देखें। और यहाँ पर जो लाइट्स इंस्टॉल की गई हैं वो भी बहुत खूबसूरत लुक दे रही है। यहाँ पर सीलिंग वर्क भी आप देखें सेम अच्छी लुक दे रहा है। इसके बैक साइड पर भी अगर आप देखेंगे तो फैमिली मौजूद है, यहाँ पर रेजिडेंट्स रह रहे हैं। अटैच बाथ के अंदर आते हैं तो मराची कमोड, पोटा का आपको कंसील शॉवर और यहाँ पर एक छोटा सा राउंड शेप के अंदर वैनिटी सेटअप मौजूद है। यहाँ पर भी आपको वार्डरोब्स मिलेंगे। डिमांड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है व्यूअर्स, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, हमारे स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर रब्ता करके इस विला की डिमांड जान सकते हैं। इसका फिफ्थ बेडरूम है, फिफ्थ बेडरूम के ऊपर देखा जाए तो सीलिंग वर्क यहाँ पर क्लासी डिज़ाइन के अंदर है और इसका टोटल साइज़ है। अगर आप ये विला बाय करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके इस विला के हवाले से डिटेल्स जान सकते हैं। प्रॉपर्टी एक्सचेंज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पहले आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहें। यहाँ से गफूर, प्रॉपर्टी एक्सचेंज, पेरीटोन कराची के प्लेटफॉर्म से अल्लाह हाफिज़।